हरे कृष्णा। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, ग्लोसी पोर्टिको सर्वसंपूर्ण चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। बहुत दिनों से ये रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास कि आप अपने मंदिर ऑर्गेनाइजेशन वीडियो हमारे साथ शेयर कीजिए। दिनों क्या महीनों से इतने बार ये रिक्वेस्ट आई है। आई एम सो सॉरी कि अभी तक ये वीडियो आ नहीं पाया है, क्योंकि ये वीडियो मैं आप सभी के समक्ष थोड़े ऑर्गेनाइज्ड वे में एंड प्लान्ड वे में प्रेजेंट करना चाह रही थी। तो हम क्या करेंगे, ये एक वीडियो में मैं फटाफट ऑर्गेनाइजेशन नहीं दिखाऊंगी कि कैसे क्या ऑर्गेनाइज किया है, कहाँ रखा है, जैसे लास्ट वीडियो में शो किया था। इसमें हम एक एक करके साथ में मिल के अपना मंदिर, अपनी पूजा सामग्री, भगवान के पोशाक, श्रृंगार, बर्तन, भगवान की जो पुस्तकें हैं, सब कुछ अच्छे से अरेंज करेंगे। आप भी अपने घर का साथ ही साथ हमारे अरेंज कर सकते हैं। और ये वीडियो एपिसोड्स में आएगी, यानी एपिसोड 01 में हम कुछ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे और मिलके वो ऑर्गेनाइज करेंगे। फिर सेकंड एपिसोड में कुछ और ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे और वो भी मिलके हम करेंगे। और सारे एपिसोड्स पूजा रिलेटेड ही होंगे, सारी एपिसोड्स ऑर्गेनाइजेशन के ही होंगे। तो आज का जो एपिसोड है या पार्ट है, इसमें हम क्या करने वाले हैं, ये जो हमारा फर्स्ट ड्रॉअर है, ये अच्छे से अरेंज नहीं है, थोड़ा फैला दिख रहा होगा, इसको हम अच्छे से अरेंज करेंगे मिल करके। और इसमें थोड़ा सा चेंज भी लाएंगे कि अभी जो सामान रखा है वो ना रख के मैं कुछ और सामान इसमें रखूंगी और हम मिल के इसे ऑर्गेनाइज करेंगे। साथ ही साथ आप अपने मंदिर का भी कोई एक पार्ट या एरिया सिलेक्ट कर लीजिए जो मेरे साथ ऑर्गेनाइज आपको करना है। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और ऑर्गेनाइज करते हैं ये वाला ड्रॉअर। तो इसे हम अच्छे से निकाल लेते हैं, इसका सामान निकाल लेते हैं, ताकि हम देख पाए कि कौन सी चीजें कहाँ रखनी है। ये ड्रॉअर मैंने निकाल के रख लिया है और हम देख सकते हैं कि इसमें 3 बास्केट लगाया हुआ है, तो हम ऐसे ही रखेंगे। पर सारी सामग्री हम पहले निकाल लेते हैं। इस ड्रॉअर का जो फ्रंट एंड है, यानी नॉब वाला हिस्सा है, उसे अपने सामने रखिए, ताकि समझ में आए कि जब ये ड्रॉअर आप पुल करेंगे तब पहले कौन सी सामान आपके सामने आएगी। अब हम इसे डस्टिंग कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं। ये है मेरा डस्टर, ऐसे हाथ में पहन करके मैं इसे अच्छे से क्लीन कर लूंगी। एंड माइक्रोफाइबर है तो सारा डस्ट इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये मैंने क्लीन कर लिया है। अब बास्केट्स को खाली करके हम पहले इसमें रख लेते हैं और बास्केट को भी डस्ट कर लेते हैं अच्छे से। ये 3 बास्केट्स इसमें आए हैं और इस छोटे से एरिया में क्या आता है वो मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि इस साइज का बास्केट तो हमारे पास है नहीं। तो इसे बाद में देखेंगे कि क्या रखते हैं। अब इसमें मैं रखूंगी सारे धूप मैं एक ही जगह रखती हूँ, कोई भी पैकेट में अलग से स्टोर नहीं करती हूँ, क्योंकि इससे आइडिया नहीं मिलता है कि धूप पहले से आपके पास है या ख़त्म हो गई है। तो ये सारे धूप के पैकेट पहले से थे, जो वो सब हम रख ले रहे हैं इस तरीके से। ये है पहले वाले और अभी जो न्यू आए हैं वो भी मैं रखूंगी। ये सारे धूप न्यू आए हैं तो इसे भी हम रख लेते हैं।
ये भी पत्तियां भी इसमें ही रख देंगे। ब्रांड से आपको पता चल जाएगा कि न्यू वाली कौन सी है और पुरानी वाली कौन सी है। और ये मंगलदीप वाली पूरी पैक रहती है, तो ऐसा नहीं है कि आपने पैकेट से निकाला तो इनके खुशबू को कुछ प्रॉब्लम होगी या सीलन होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये पूरी पैक है। इसी तरीके से बाकी इसमें कुछ नहीं है, ये हटा देंगे। बाकी भी रख लेंगे सारा एक एक करके। ये सारे धूप हमने अरेंज कर लिए हैं। अब ये रहे कुछ कप्स, इसका ओपन पैकेट मैं शो करती हूँ, पैक ऑफ सिक्स इस तरीके से। तो इसे मैं ऐसे का ऐसा ही रखूंगी। एक और बाकी सब अंदर ड्रॉअर में रखूंगी। अब है डेली सामग्री में बाकी चीजें। तो सबसे पहले बारी आती है चंदन और टीके की। तो एक डब्बे में हम चंदन और टीका रखते हैं, जितने भी तरह का चंदन है हमारे पास। जैसे ये चंदन टीका है, ये वाइट चंदन है, ये भी है गुरुजी चंदन टीका, सिंदूर, ये भी है कुमकुम, ये हनुमान जी का सिंदूर है, श्री रामा चंदन, ये अक्षत का डब्बा है और ये है कपूर का, और ये केसर चंदन का डब्बा है जिसे मैं क्लीन करके इसमें भी कुछ स्टोर कर लूंगी। ये सिंदूर का डब्बा है, पहले ये कपूर का डब्बा था बट अब खत्म होने के बाद हम इसे रीयूज करते हैं, फेंकते नहीं हैं। तो ये हो गया सिंदूर का डब्बा, ये भी कपूर का है। और हमेशा आप चीज़ें ऐसे रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक जगह पे आ जाए, जैसे मैंने इसे इस डब्बे के ऊपर रख दिया। ये भी सिंदूर है ऑरेंज वाला। अब इसमें क्या है, तिल है हवन के लिए, काला तिल, शहद है पंचामृत स्नान के लिए, इसमें मैं भूरा बना के रखती हूँ तो वो रहता है, अभी वो ख़त्म हो गया है, फ्रेश बनाऊंगी। ये गुलाल है, ये भी हम रखते हैं, किसी त्यौहार में आता है। इत्र है, एक बाहर ही मैं रखती हूँ इस प्रकार से, और अंदर जो सामग्री और श्रृंगार में होता है वो तो रहता ही है। एक माचिस रख लेते हैं यहाँ पर ताकि हमें इधर उधर ढूंढना ना पड़े। और छोटे छोटे से बर्तन भी मैं भोग लगाने के लिए रख लेती हूँ कि कभी धुले ना हो, कुछ यूज़ करना हो तो। ये देखिए सारे प्लेट्स हैं भोग लगाने के हिसाब से, और ये सारे ग्लासेस हैं। ये गंगा जली है लड्डू गोपाल की, और ये टिफिन है, इसका ढक्कन भी कहीं पर तो होगा। और ये दीप का जो सेंटर वाला बाती वाला स्टैंड होता है वो है, इसे हम इसी में रख देते हैं। ये लकड़ी का चंदन है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ स्पेस बची है तो इसको इधर करके जो थोड़े से क्लीनिंग आइटम है वो भी इधर रख दूंगी। जैसे इस तरीके के टूथब्रश है जिससे हम विग्रह क्लीन करते हैं, ये डस्टिंग के लिए है, दोनों
ये पेंटिंग के लिए है, ये चांदी की विग्रह को क्लीन करने के लिए है। तो ये सारी चीज़ें हम कॉर्नर में रख देंगे। ये क्लीनिंग के काम आएगी हमारे। और ये है विभूति शिव जी की, तो इसे भी अच्छे से यहाँ रख लेते हैं। और कुछ जगह खाली भी हमें रखना है ताकि हम अपने हिसाब से कुछ ज़रूरत का सामान भी रख पाएं इन फ्यूचर। तो अभी के लिए ये फर्स्ट ड्रॉअर हमारा ऑर्गेनाइज हो गया। साथ ही साथ ये जाप माला है मेरी, इसे भी मैं यहाँ पर रख देती हूँ। तो हम पूजा के वक्त चंदन, टीका, धूप, भोग, माचिस, हर तरीके की चीज़ें इससे ले सकते हैं। घी है, बाती है और अन्य प्रकार का भोग है, हवन सामग्री है, ये चीज़ें मैं मंदिर में ही दूसरे ड्रॉअर में रखती हूँ, तो वो शो करूँगी। तो अभी के लिए पार्ट वन हम समाप्त करते हैं। एक ड्रॉअर हमने ऑर्गेनाइज कर लिया, सारी जगह हमने इसकी यूज़ कर ली, फिर भी थोड़ी थोड़ी सी स्पेस बाकी है कि कुछ डब्बे कुछ आपको रखने हो तो वो रख सकते हैं आराम से, हर चीज़ मिल भी जाएगी। इसे वापस मंदिर में हम लगा भी देते हैं। जो आपको सामान दिख रहा है वो नीचे वाले ड्रॉअर का है, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में अरेंज करेंगे। इसे वापस ऐसे लगा देते हैं। ये देखिए आसानी से खुल जाएगा, सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी और आसानी से ये लग भी जाएगा। आई होप आपको ये ऑर्गेनाइजेशन एपिसोड वन अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस करके ग्रे कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्यारे से वीडियो में, तब तक अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और ईश्वर की ऐसे ही सेवा में लगे रहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।